जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर ओमचो, और जो आप हमें इतना प्यार स्नेह दे रहे हो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको निःशुल्क ज्योतिष परामर्श के साथ साथ मोटिवेशनल्स वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि तुला राशि के लिए कौन सा रत्न पहने और उसे फ्री में किस तरह हम बना पाएं या उसे फ्री में किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। तुला राशि का राशि स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र का जो होता है हीरा, हीरा अमूमन बहुत महंगा होता है, जिसे पहनते हैं हम तो महंगा होता है, उसका प्रभाव भी बड़ा अद्भुत होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपकी राशि तुला है और आप ये नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं गुरु जी हम हीरा नहीं पहन पाते, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप हीरा नहीं पहन पाते तो हीरे से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला रत्न मैं बतलाता हूँ, जो बिल्कुल हीरे से भी अधिक आपको फ़ायदा देगा। शुक्र जो होता है उनकी उसके जो होता है गुल्लर की जड़, याद रखिए गुल्लर एक पेड़ आता है जो आपको आसानी से दिख जाता है, और किसी भी पूजा पाठ की जहाँ पर सामान मिलता है उस जगह पर आपको आसानी से मिल जाएगा। गुल्लर की जड़ को सफ़ेद वस्त्र में लपेटे और शुक्रवार के दिन सफ़ेद धागे में अपने हाथ में या गले में जहाँ भी चाहें वहाँ पहन सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि उसे चमड़े का जो वस्त्र है, चमड़े का पर्स है, उससे दूर रखें। इसके अलावा उस पर थोड़ा इत्र लगाएं, जो भी जड़ हो उस पर थोड़ा सा इत्र लगाएं, जो भी आपको अच्छा इत्र लगे उस पर इत्र लगाएं और फिर उसे बांध कर रखें, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव देगा, और बहुत ज़्यादा प्रभाव के साथ साथ दोस्तों अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को, मेरे खुद का जो राशि स्वामी शुक्र है और मैं इसे अपने हाथ में पहनता हूँ, और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी आप सभी को मैं बता रहा हूँ तुला राशि के जातकों को, तो व्यक्तिगत आधार पर भी मैं इसे अच्छे से एनालिसिस कर सकता हूँ कि जो फ़ायदा मुझे हुआ है वो आपको भी होगा। और मांस मदिरा और शराब का सेवन न करें इसके धारण करने के बाद, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा गलत परिणाम भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों, और एक और बात जो मैं कहना आपको भूल गया हूँ कि इस को जो गुलहर की जड़ होगी थोड़ी सी जड़ लेके उसे पहले भोले बाबा को टच करके फिर ये धारण करें, अर्पण कर लें, और फिर वहाँ से ले उठा लें और फिर अपने हाथ में पहन लें, गले में पहन लें, अपने पॉकेट में रखना चाहे तो वहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ब्लॉग डॉक्टर ओमचो ब्लॉगर डॉट कॉम, उसे भी पढ़ सकते हैं आप, और जय श्री महाकाल बोलना न भूलें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।